भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संवाद भवन के सभागार में किया गया। इस मौके पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी, वर्तमान समय में उतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संविधान बनाकर बाबा साहब ने कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब को जो लोग अभी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए हैं और इस सभागार में मौजूद हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ एंड वर्तमान जो एसोसिएशन है SC/ST एम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष, यह विशेष रूप से जो महापुरुषों की चाहे जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस यह जो मनाया जाता है, केवल पर्पज यह होता है कि जो उनके अच्छे कार्य उनके द्वारा संपादित किए गए हैं उनको हम सब याद करें। और बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था उनके लिए अधूरा था, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, इसीलिए उनको बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। और बाबा साहब जो सबसे बड़ी उनकी खूबी थी, यह एक तरह से जो ग्रास रूट के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने का, ऊपर उठाने का काम किया। और आज स्थिति में इसीलिए बाबा साहब हमेशा शिक्षा पर जोर देते थे। और उनका एक जो महत्वपूर्ण, वह जोर ही नहीं देते थे बल्कि उन्होंने कर करके दिखाया है, चाहे तमाम डिग्रियां उन्होंने हमारे समझ से वर्तमान समय में इतनी डिग्री किसी के पास उपलब्ध नहीं है। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस विशेष रूप से जो कमजोर तबके के लोगों को विशेष रूप से अपलिफ्ट करने का जो कार्य किया है, जो अगर उनकी वजह से जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, आज ग्रास रूट के लोग भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री या यहाँ तक कि वाइस चांसलर के पदों को सुशोभित कर रहे हैं, यह केवल बाबा साहब के पर बाबा साहब की ही बूते की बात थी जो संविधान में ऐसी व्यवस्था उन्होंने किया है।